वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। बच्चों, आप सभी को अपनी हिंदी की बुक बहुत ध्यान से और गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको अपनी बुक इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, एक एक शब्द का अर्थ आपको अपने अंदर महसूस करना होगा, तो आपको यकीन मानिए सारे चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे और आप बहुत कुछ नई नई बातें जान भी सकेंगे। तो रेडी हैं आप सब? आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इसका मतलब क्या हुआ? हिमालय की बेटियां कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है? हिमालय की बेटियाँ। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके, हिमालय की बेटियाँ चैप्टर एक निबंध है जो कि नागार्जुन जी ने लिखा है। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था। लेखक क्या कह रहे हैं कि अभी तक मैंने इन नदियों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। जब कभी आप दूर से देखेंगे कोई बड़ी नदी, आप कहीं जाते हैं बाहर तो पड़ती है तो कैसा लगता है? एकदम शांत लगती है नदी, गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लगती है देखने में। सभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। सभ्रांत यानी कि सभ्य, सिविलाइज्ड, सभ्य महिला की तरह से वो दिखाई देती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके प्रति? नदियों के प्रति। लेखक का कहना है कि नदियों के प्रति मेरे दिल में किसके? रेस्पेक्ट और श्रद्धा के भाव थे। होता है ना, आप कहीं जाते तो नदियों की भी पूजा करते हैं, उसमें कभी पैसे डालते हैं, तो उनके प्रति हमारे दिल में क्या भाव होता है? आदर का और श्रद्धा का भाव होता है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। जब कहीं आप नदियों के पास जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि माँ, दादी या मौसी मामी की गोदी में जैसे छोटा बच्चा लेटता है, इसी तरीके से इन नदियों में भी इनकी धाराओं में क्या होता है? डुबकी लगाते हैं इसी तरीके से। तो लेखक का कहना है कि उन्हें नदियों में डुबकी लगाना किसकी तरह लगता था? जैसे कि मौसी मामी या दादी की गोदी में वो डुबकी लगा रहे हों या खेल रहे हों उनकी गोदी में। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। हिमालय के कंधे पर चढ़ा यानी कि जब वह हिमालय पर्वत पर चढ़ाई की, इन्होंने हिमालय पर्वत पर चढ़े तो उन्होंने जो नदियाँ थीं उनको अलग ही रूप में देखा। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो वहाँ पर एक बहुत पतली धारा के रूप में, दुबली पतली धारा के रूप में दिखाई देती हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, लेखक को वो उसी तरीके से दिखाई दी कि जैसे छोटा बच्चा जगह जगह खेलियाँ करता हुआ चलता है, जगह जगह खेलते हुए चलता है, इसी तरह से वो नदियाँ भी हिमालय पर्वत से निकल कर बर्फीले पहाड़ी रास्तों पर अपना रास्ता बनाते हुए चलती हैं। तो कहीं पर पत्थरों से टकराकर अटखेलियाँ करती हैं तो कहीं वो सीधी रास्ते में आगे बढ़ती जाती हैं। तो इसी तरीके से उनका कहना है कि मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। मतलब कि जो हिमालय पर्वत से इतनी दुबली पतली सी गंगा, यमुना, सतलुज नदी निकल रही हैं, वही नदियाँ जब बड़े मैदान में पहुँच जाती हैं तो वो कितनी विशाल, कितनी बड़ी नज़र आती हैं। जब मैदानों में आप देखते हैं बड़ी बड़ी नदियों को तो कितनी शांत, स्थिर और बहुत बड़ी नज़र आती हैं, जबकि यही नदियाँ जब बर्फीले पहाड़ी रास्तों से, घाटियों से होकर निकलती हैं तो वहाँ पर ये बहुत दुबली पतली, कहीं से अटखेलियाँ करती हुई, कहीं ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव पे उनका पानी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर।
यानी कि इनका कहना है कि जो ये इतनी नदियाँ उछलती कूदती इधर से उधर चल रही होती हैं, लगातार हंसते जाना, नदियाँ ऐसे तो नहीं हंस सकती, पर अगर आप उनको वास्तव में अगर गहराई से देख रहे हैं तो जो उनकी उछल कूद की खेल आप देखेंगे तो आपको लगेगा नदियाँ कितनी खुश हैं, हंसती हुई जा रही हैं। तो यह उनका जो उल्लास है वो सब मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर वो एकदम शांत हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं, और जबकि जब ये घाटियों पर से चल रही होती हैं, निकल रही होती हैं, तो वहाँ पर ये पर्वतों से टकरा टकरा कर काफ़ी अटखेलियाँ करती हुई दिखाई देती हैं। तो किसी भी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, लेखक का कहना है कि जब किसी लड़की को देखता हूँ तब भी इतनी कौतूहल, कौतूहल यानी जिज्ञासा, इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। यानी कि किसी लड़की को देखता हूँ तो भी इतनी जिज्ञासा और आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन हिमालय की बेटियाँ यानी नदियों को की बाल लीला को देखकर होता है। जब ये पर्वतों से निकलती हुई, अगर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और आपने देखा है तो आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जो पर्वतों से निकलती हुई ये नदियाँ चलती हैं, जगह जगह आपको बहुत उछल कूद करती हुई नजर आएंगी ये नदियाँ। आगे बढ़े, कहाँ ये भागी जा रही हैं, लेखक क्या कह रहे हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि ये कहाँ भागी हुई जा रही हैं, कौन सा लक्ष्य है, मतलब ये क्या पाना चाहती हैं जिसे पाने के लिए ये निरंतर भागे जा रही हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, एकदम ऐसे बेचैन होती हुई ये नदियाँ भाग रही हैं, कौन सा अपना रास्ता ढूंढ रही हैं वहाँ पर, ये अपने महान पिता का विराट प्रेम, महान पिता किसको कहा है, हिमालय को, यानी कि हिमालय का विराट प्रेम यानी बहुत अधिक प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त यानी प्यासा है, अगर यह अभी भी हिमालय का इतना प्रेम पाने के बाद भी अगर यह प्यासी हैं तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो आखिर ये किस चीज़ की चाहत में इतना भागे जा रही हैं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ मतलब जब बर्फ हट जाती है तो जो पहाड़ियाँ होती हैं वो, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ जब घाटियों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उनमें से नदियाँ निकलती हैं, बंधुर अदित्यकाएँ मतलब कि बंधुर मतलब मुकुट और अदित्यकाएँ मतलब पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, तो ऐसे पहाड़ों पर समतल भूमि ऊपर की ओर होती है अगर जैसे पठार बने होते हैं, सरसब्ज उपत्यकाएँ मतलब कि सरसब्ज यानी हरी भरी, उपत्यकाएँ यानी चोटियाँ, तो हरी भरी जो चोटियाँ होती हैं या पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या जो मुकुट बना हुआ होता है उनका, और छोटे मोटे पौधों से भरी हुई जो घाटियाँ होती हैं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन मतलब घर, और जो ये अपनी बाल लीलाएँ करती हैं यानी कि इन लीलाओं को करने का इनका घर, जो इनका घर है वो कैसा होता है, हरी भरी घाटियाँ ही होती हैं ना, जहाँ से ये जगह जगह से अपना रास्ता लेते हुए निकलती जाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि जब इसी तरीके से ये नदियां चलते चलते थोड़ी दूर तक जाती हैं, ये सब जंगलों के नाम लिखे हैं, देवदार, चीड़, ये सभी, तो वहाँ पर शायद इनको क्या होता है, बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कितनी अच्छी बात है कि वो सोच रहे हैं कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय यानी कि पिताजी है ना इनके, हिमालय तो बड़े हो गए वो काफ़ी, तो वो अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनते होंगे, यानी परेशान होते रहते होंगे, पछताते रहते होंगे कि ये क्या करती रहती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बड़ी बड़ी चोटियाँ जो हिमालय की हैं उनसे अगर हम जाकर पूछें उत्तर में तो विराट मौन यानी एक बड़े मौन, मौन यानी शांति, चुपचाप, तो उसके सिवाय उनके पास और क्या रखा है भाई, हिमालय के पास वहाँ पर विराट शांति ही है, और क्या रखा है उनके पास। देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत कितना शांत दिखाई पड़ता है,
और उसकी चंचल बेटियाँ ये नदियाँ अपने बाल रूप में किस प्रकार उछल कूद कर रही हैं और खिलखिलाकर हंसती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या पानी की इच्छा में या आगे भागी जा रही हैं और तरह तरह के खेल करके सबको लुभा रही हैं। कितनी आकर्षक और लुभावनी प्रतीत हो रही हैं। पर्वतराज की बेटी सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा अब कौन सी दूसरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका अर्थ है ब्रह्म का पुत्र। यह नदी तिब्बत से निकलती है जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर तक की है। सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी है ऐसा माना जाता है। और यह है गंगा नदी। इस नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसका जल भरकर भी लोग पूजा के लिए रखते हैं और यह जल कभी भी खराब भी नहीं होता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह चंचल नदियाँ जब आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं तो देखिए कितनी शांत और गंभीर दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें अपनी खोई हुई मंजिल मिल गई हो जिसकी तलाश थी इन्हें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मेन सबसे बड़ी नदियां कौन सी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगर हम इन दोनों के नाम लेते हैं तो इनके सुनते ही हमें ये सारी छोटी छोटी नदियों के नाम भी याद आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। अब देखिए जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि किसी शब्द को जब दो बार पुनरावृत्ति करके लिखते हैं तो उस शब्द पर जोर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप इसी को ही कि एक एक बूंद न जाने, यानी कि बार बार एक एक बूंद के लिए, ऐसे ही इकट्ठा हो होकर, इकट्ठा हो होकर मतलब थोड़ी थोड़ी करके बार बार इकट्ठा होती रहती हैं। चलिए खैर चैप्टर पर आते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है। क्या उनका उद्गम अपने आप हुआ है? नहीं हुआ है अपने आप। वो क्या है, दयालु हिमालय जो है उस पर जो बर्फ जमती है उसी से ही पिघल पिघल कर बूंद बूंद इकट्ठा करके तभी ये बड़ी महानदी के रूप में बनी है और फिर समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है, समुद्र की ओर बहती जा रही है। तो हिमालय के पिघले हुए दिल को कहा है, पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, यानी कि हिमालय पर जो बर्फ जमती है उसकी बूंदों से ही हुई है ना, तो वो बर्फ भी क्या हुई, उसका दिल हुआ, दिल की एक एक बूंद। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, क्योंकि ये नदियाँ आगे जाके किस में मिल जाती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि जिसको कि यह पर्वतराज यानी हिमालय की दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अवसर मिला, श्रेय यानी अवसर। तो हिमालय की जो ये दोनों बेटियां हैं वो आगे जाके समुद्र में मिल जाती हैं, तो इसलिए कहा गया है कि समुद्र जो है वो बहुत भाग्यशाली है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंगधड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि मैदानों में जिसने केवल नदियों को देखा है उसने नदियों का वह बाल रूप नहीं देखा, जो बाल रूप में ये हिमालय की गोद से निकलकर ये बच्चियां जो खेला करती हैं, बच्चियां यानी नदियां, तो वो बड़े मैदानों में तो केवल शांत और स्थिर रहती हैं, परंतु जब यह हिमालय से निकलती हुई जाती हैं तो नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों को आकर्षक नहीं लगे, क्योंकि पहाड़ी आदमी जो पहाड़ पर रहने वाले हैं वो तो रोज ही देखते हैं नदियों का वह रूप, परंतु जो लोग कभी कभी वहाँ पर घूमने जाते हैं उनके लिए वह बहुत आकर्षक होती हैं। तो इसी तरह से लेखक को भी यह बहुत आकर्षक लगी जब यह घूमने गए।
लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि उन्होंने हिमालय को ससुर कहा। ससुर क्यों कहा? क्योंकि उनकी बेटी क्या है? नदी। और नदी जाकर किस में मिल गई? समुद्र से मिल गई। यानी कि एक तरह से उन्होंने माना कि समुद्र से उनका नदियों का विवाह हो गया। नदियां जाके किस में मिल गई? समुद्र में। और नदियों को इसीलिए उन्होंने ये प्रेयसी का भी रूप दिया है, प्रेयसी यानी प्रेमिका का, जो कि जाके समुद्र से मिल जाती हैं। तो उनको समुद्र को दामाद कहा और ससुर किसको कहा? हिमालय को। तो देखिए लेखक ने कितनी खूबसूरती से इनके बीच एक रिश्ता जोड़ दिया। अब चलिए आगे बढ़े। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास जो कवि थे, उन्होंने अपनी मेघदूत की जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने अपने विरही यक्ष, विरही यानी जो अपने प्रेमी से जुदा हो गया हो, ऐसे विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान यानी प्रतिउत्तर देते जाना, उसको बेतवा नदी को प्रेम देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तुम्हारी वह प्रेयसी यानी कि बेतवा नदी प्रेयसी है, प्रेमिका है तुम्हारी, तो वो तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक को यह बात इन चंचल नदियों को देखकर याद आ गई कि सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। यानी कि कालिदास जी को भी नदियों का सचेतन, सचेतन यानी कि सजीव रूप पसंद था। जैसे कि इस लेखक ने, नागार्जुन जी लेखक को भी क्या लग रहा है कि नदियां सजीव हैं, वह एक लड़कियां हैं, कभी वह प्रेयसी हैं। इसी तरीके से कालिदास जी को भी सजीव नजर आई होंगी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। का कहना है कि जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों पर खेलते हुए और समतल मैदानों में एकदम स्थिर रहते हुए देखेगा तो बिल्कुल अलग अलग तरह, जुदा जुदा यानी अलग अलग तरह की उनकी शक्ल लगती है इस समय में, तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। आगे बढ़े। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी जगत की माता, लोक यानी जगत, माता यानी माँ। तो इन्होंने, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? जगत की माता। क्योंकि माता का काम क्या होता है? जीवन देना होता है। और यह नदियाँ भी सभी को जीवन ही देती हैं। कैसे देती हैं जीवन? यह लोगों की प्यास बुझाती हैं। नदियों के द्वारा खेतों में सिंचाई भी होती है। यह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती हैं। नदियों पर बांध बनते हैं जिनसे बिजली भी बनती है। और भी बहुत से काम होते हैं नदियों के जरिए। तो इसीलिए इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि यह सभी को जीवन देने वाली हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? यानी कि माता तो ये कब बनती हैं? जब ये आगे जाकर बड़ी नदियों का रूप ले लेती हैं। परंतु जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं उस समय क्या होती हैं? ये छोटी छोटी धारा के रूप में, यानी कि ये बेटियों के रूप में होती हैं। ओके। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? अब आगे अगर बढ़े तो बेटियों के साथ ही हम इन्हें प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रेमिका के रूप में ही ये आगे ऐसे बढ़ती जाती हैं कि जैसे इन्हें क्या पाना है, कौन सा इनका लक्ष्य है। और समुद्र में जाकर जब यह मिल जाती हैं तो जैसे कि इन्हें इनकी मंजिल मिल गई। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे माँ बहन, माँ बेटी और प्रेयसी की भावना है, इसी तरीके से एक और भावना क्या है? बहन। ममता का एक और धागा कौन सा है? बहन का। तो बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है? बहुत से कवियों ने इन नदियों को बहन का भी स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत, जगह तिब्बत की जगह है, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। मतलब कि जो लेखक है उनका मन थोड़ा सा उचटा हुआ था, यानी कि मन खिन्न था, तबीयत भी ढीली थी, तो वो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उन प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो कहने का मतलब है उसको बहन का दर्जा किस तरीके से दिया है कि जब उनका मन उचट गया और वो उसके
सी पानी में जाकर पैर लटकाकर बैठ गए सतलुज नदी के किनारे, तो थोड़ी ही देर में उस जल से उन्हें इतनी राहत मिली कि उनका मन एकदम ताज़ा हो गया और उनको लगने लगा कि यह जो नदी है सतलुज नदी वो क्या है, एक बहन है, बहन की तरह से है। ओके, तो इसको बहन के रूप में भी देखा जा सकता है नदी को। तो लेखक क्या गीत गुनगुनाने लगे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम सतलज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी जो लीलाएं हैं वो बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन यानी कि मन मेरा खुश हो गया और खुमारी यानी जो आलस था मन में वो सभी दूर हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम बेटी हो और हिमालय क्या है, बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय यानी अपनी बेटियों के लिए चिंतित तो है पर क्या है, एकदम चुपचाप है, शांत है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यह प्रकृति के चित्रित पट पर क्या है, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय की जो छाप है वो एकदम ही अद्भुत आश्चर्य में डालने वाली है और अनोखी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तो सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो कवि ने, इन्होंने कितना सुंदर रूप नदियों का दिखाया है, नागार्जुन जी ने जो इस चैप्टर में नदियों का कितना ही खूबसूरत रूप दिखाया है कि नदियों को एक बच्चे के रूप में भी देखा है, प्रेयसी के रूप में भी देखा है, बहन के रूप में भी देखा है और माँ के रूप में भी देखा है, लेकिन उन्हें सबसे खूबसूरत उनका रूप कौन सा प्यारा लगा, उन्हें बच्ची का रूप, बच्ची का रूप। तो आप सब भी ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। ओके।